मीडिया के प्रेस के साथियों, आज बड़ी देर के बाद आपके साथ मुलाकात करने का मौका मिला है। आज हमारे साथ हमारे साथी हमारे नायब सदस्य जम्मू कश्मीर बचाओ तहरीक हैदर अली साहब हैं और हमारे तर्जुमान आगा सईद अरशद साहब हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है यहाँ आपके साथ मुलाकात करने का, गुज़िश्ता दिनों से मुल्क के अंदर जो हालात बने हैं और खासकर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक इसराबी और बदितबादी की फिजा पैदा हुई है, चारों तरफ फिरका प्रस्ती, इंतहा पसंदी और शिद्दत कश्मीरियों के खिलाफ, कश्मीरी तलबा के खिलाफ, कश्मीरी व्यापारियों के खिलाफ पूरे मुल्क में रवादवा, हर तरफ जमहूरियत का कत्ल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि जम्मू कश्मीर को एक जंगी तजर्बाती लेबॉरेटरी के तौर इस्तेमाल किया जाता है और रियासत जम्मू कश्मीर के मासूम मजलूम अवाम को गुज़िश्ता 70 बरसों से इस जंगी तजर्बाती लेबॉरेटरी का मवाद बनाया गया। हालिया दिनों में आपने सुना होगा कि पूरे मुल्क में कश्मीरी तुलबा पर, कश्मीरी मजदूरों पर, कश्मीरी व्यापारियों पर तशद्दुद आमेज वाकयात पेश आए उनके साथ और मारपीट की गई, तुलबा को स्कूलों से कॉलेजों से बेदखल किया गया, जो एक अफसोसनाक वाकया है। हम इसकी जोश और शिद्दत से मजहमत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरे मुल्क में भारतीय हुकूमत को, भारतीय लीडरशिप को कश्मीरी शहरियों की, कश्मीरी तुलबा की सिक्योरिटी को, उनके तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये मांग करता हूं आपकी वसादत से कि हमारे यहां जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको नीट में तब्दील किया गया। हम मांग करते हैं कि उसको वापस रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाए और यहाँ के जो हमारी तालीमी अदारे हैं उनमें वो सहूलियात मैसर करवाई जाए हुकूमत की तरफ से कि जहाँ कश्मीरी तुलबा को रियासत के अंदर वादी के अंदर तालीम दी जाए, क्योंकि अब रियासत से बाहर कश्मीरी तुलबा की सिक्योरिटी की कोई जमानत नहीं है। पूरे मुल्क में इंतहा पसंदी इस इंतहा को पहुंच गई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का क्याम अमल में आया था उस वक्त के लोगों ने, उस वक्त की लीडरशिप ने, उस वक्त की सेकुलर सोच ने एक सेकुलर आईन को अपने ऊपर नाफिज किया था, लेकिन आज पूरे मुल्क में उस सेकुलर आईन के मुतवाजी इंतहा पसंद आइडियोलॉजी जो है वो हुकूमत चला रही है। आईन को बंद करके रखा गया है, आईन की कदरों को पामाल किया गया है। और शायद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने इसी सेकुलर आईन को मद्देनजर रखते हुए, सेकुलर सोच को मद्देनजर रखते हुए महाराजा हरि सिंह को हिंदुस्तान के साथ मशरूत इलाक करने के लिए मजबूर किया, वरना महाराजा हरि सिंह ने बरसगर की दिगर 5 रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर को भी एक आईन साज खुदमुख्तियार रियासत का दर्जा दिया, जिसका आईन और झंडा हमारे पास मौजूद है, गवाह। मेरे साथियों, रियासत का इलाक दाखिली खुदमुख्तियारी की जमानत के साथ मशरूत इलाक 3 शर्तों पर हुआ था, जिसमें महाराजा बहादुर ने भारत को 3 सब्जेक्ट दिए थे जिनमें दिफा था,
फॉरेन अफेयर्स थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ था, और आई ने हिंद में जम्मू कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तियारी की जमानत दी गई है।